जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है और लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकालना है, ऐसा वादा अखिल भारतीय परिवार पार्टी के नागपुर लोकसभा उम्मीदवार आनंद शर्मा ने पत्रकार परिषद में दी है और जनता से उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। मैनिफेस्टो के अंदर में जो भी चीज कर्जा मुक्ति अभियान को लेकर हम लोग जो भी मैनिफेस्टो के अंदर मेंशन किए है, उस सभी चीजों को फर्स्ट 100 डेज के अंदर में हम लोग सिग्नेचर करके वहाँ सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसे नहीं हो पाता है तो 101 एट द डे ऑफ 101 डे हम लोग हमारा रेजिग्नेशन स्वीकार करते करके नोटरी करके सभी लोगों के अंदर में इस 18वां लोकसभा इलेक्शंस के हम लोग आगे आए हैं और इस सभी चीज़ के अलावा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी खासदार लोगों को हम लोगों ने लेटर्स दिए हुए हैं, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया तो रोड उपयोग होगा, जो व्यक्ति जिंदा रहेगा तो उस व्यक्ति को बाकी सभी चीज़ का उपयोग होगा। हम लोग सभी इतना ही पूछना चाहते हैं, इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पूरे देशवासियों को, साथ में मेरे पूरे नागपुर लोकसभा के सभी वोटर्स को मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप लोग कोई एक, मैं ये बांट नहीं सकता हूं, उसको क्या बोलते हैं, अभी भी 3 लोग गुजर गए, वो पेटियाँ वो बांट नहीं सकता हूँ, उसके बाद मैं साड़ियाँ बांट नहीं सकता हूँ, मैं कोई तरीके की बिरयानी नहीं बांट सकता हूँ, कोई तरीके के पार्टीज नहीं दे सकता हूँ, मगर मेरा वादा है मैं पूर्ण तरीके से, पर सपोज हमारे जनता सपोर्ट करके मुझे जिताते हैं तो विद इन 10 डेज के अंदर अंदर मैं सबका कर्ज माफ़ी के सिग्नेचर कर सकता हूं। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों से विनती करता हूं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के केतली चिन्ह को बटन दबा के हमारे सभी उम्मीदवार लोगों को जितवाएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। कुछ लोगों ने बोले पूरे के पूरे आप लोग, पर सपोज कोई देश भर के अंदर में पूरे एक ही उम्मीदवार जीता तो क्या करेंगे, वो तो वेस्ट हो जाएगा करके, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ सबसे पहले CAPP मतलब ये वाला CRC वो वाला के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। CAPP का मतलब होता है चेयरमैनशिप एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। इसके अंदर में आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिख सकते हैं एक व्यक्ति भी, एक भी मंत्री रहता है, एक भी साधारण MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है तो पर्सनल बिल लेके आ सकता है, उस बिल को आमोदन करवा सकता है, उससे पूर्ण देश भर में उसका अमल करवा सकता है। तो उसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग आगे आए और इस कर्जा मुक्ति अभियान को, स्पेसिफिकली कर्जा मुक्ति अभियान को, बाकी सभी चीज़ों को ना होते हुए कर्जा मुक्ति अभियान को सपोर्ट करने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। इसमें पूर्ण तरीके से जो GST होने दीजिए, नोटबंदी होने दीजिए और कोविड के वजह से जो लॉकडाउन होने दीजिए, इस टाइम पे जो भी घर का लोन होने दीजिए या कार का लोन होने दीजिए, ईच एंड एवरी लोन्स उसमें रहते हैं जो लोन्स वो लोग, हाँ इसके अंदर में मैं एक अंडरलाइन, थैंक यू सर, इस लाइन में मैं एक अंडरलाइन करके बोलना चाहता हूँ, हम लोग डिफॉल्टर लोगों के साथ में नहीं है। हम लोग ये बोलना चाहते हैं जो व्यक्ति रेगुलर पे कर रहा था नोटबंदी या GST या कोविड के तक, जो लोग रेगुलर पे कर रहे थे, जो कोविड के बाद में वो लोग पे नहीं कर पाए या कोई समस्या की वजह से कुछ लोग, उनके हस्बैंड गुजर गए, आप लोग पत्रकार लोग हैं तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को, ऐसे चीज़ों को बाहर लेके आइए। एक व्यक्ति घर का लोन लिया हुआ है, उस व्यक्ति कोविड के समय पर गुजर गया है तो वो कर्जा चलेगा या बंद हो जाना चाहिए, उस व्यक्ति की उस कर्जा बंद होना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक लोन के पहले उनको इंश्योरेंस रहता है, इंश्योरेंस लेने के बाद में ही लोग लोन देना शुरू करते हैं, मगर उस जगह पे आज भी उनके परिवार वाले लोग वहाँ उनके ऊपर में टॉर्चर हो रहा है। सर आप जान सकते हो जी न्यूज़ वाले है या नहीं है, मुझे नहीं पता, 99% नहीं रहेंगे ऐसे मुझे पता है। जी इंस्टीट्यूट के मालक सुभाष चंद्रा जी के 15,000 करोड़ रुपये राइट ऑफ किया गया, उनका राइट ऑफ हो सकता है तो आम जनता, जो व्यक्ति 1500 रुपये 1600 रुपये हर महीने में EMI पे कर रहा है, उनका कर्ज माफ़ क्यों नहीं हो पा सकता है, उनका भी तो कर्ज माफ़ होना चाहिए। वो जो काम कर रहे हैं ये भी भारत का देशवासी है, वो भी भारत का देशवासी है, तो संविधान के अंदर में यह पूरा सभी लोगों को एक समान है, सो दैट ये चीज़ों को हम लोग थोड़ा आगे लेके आना चाहिए, ऐसे मैं आशा करता हूँ। मैं जो रैली के लिए परमिशन के लिए हम लोगों ने डाले है तो 13 तारीख को हम लोगों ने संविधान चौक के अंदर में एक इवेंट करना चाहते थे, रैली करना चाहते थे, उस चीज़ के लिए हमको पुलिस परमिशन नहीं मिला करके उसको कैंसिल किया गया और उसके अलावा हम लोगों ने मोर देन 3 से 4 एरियाज़ के लिए, रैलीज़ के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, उस चीज़ को कुछ जगह पे NMC वाले लोगों का डिस्कशन चल रहा है, कुछ जगह पे अभी गाड़ी के लिए इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ेगा, आपको बुलाया जाएगा करके बोल रहे हैं, कुछ जगह पे झंडा के लिए इन्फॉर्मेशन देंगे ऐसे बोला जा रहा है। हम लोगों ने परमिशन 27-28 तारीख के आसपास में हम लोगों ने दिया गया है, वो तब से लेके आज तक वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा करके आज सुबह भी बोला गया है।
बैनर और झंडे लगाने की भी परमिशन निकालेगा? हर चीज़ के परमिशन लेना नहीं पड़ता है, हर चीज़ के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला हुआ है, उस चीज़ के जल्द से जल्द देते करके वो लोग डाल रहे हैं। यस, इन्फॉर्मेशन देंगे करके उन लोगों ने बोला। महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज के लिए कैमरामैन कुणाल पानूरकर के साथ अभिषेक दुबे की रिपोर्ट।